किसी को चिंता है, आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मेरा हथवा उठाओ, कहो अनाप शनाप बोल रहे हो। मोदी जी को बहाना बनाया निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी छह सात भाई बहन है। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में अजब गजब बातें और भाषण सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो कि पिछले 15 साल से सत्ता पर आसीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? दरअसल नीतीश कुमार ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए जनसभा के दौरान उनके नौ नौ बच्चे होने पर तंज कसा। अब इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने भले ही मंच से कुछ लोगों की तालियां बटोर ली हों, मगर उनके इस बयान की आलोचना लगभग सभी ने की। चिंता है, आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं? अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी नेता और सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि हमारे बहाने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी छह सात भाई बहन है। मोदी जी को बहाना बनाया निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी छह सात भाई बहन हैं, और नीतीश कुमार जी को तो हमने पहले कहा है कि हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी कहेंगे, गाली भी देंगे तो हमारे लिए आशीर्वचन के बराबर है, आशीर्वाद के बराबर है। और इस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं तो साफ झलकाता है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो थक चुके हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर के महिलाओं की मर्यादा डिग्निटी पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करते हुए गलत बयानबाजी कर दिए हों। अभी कुछ दिन पहले ही एक रैली के दौरान जब नीतीश कुमार के सामने ही कुछ लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे तो मंच पर मौजूद नीतीश कुमार आपा खो बैठे थे। खैर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जिस तरह से नेताओं की उलझुलूल बयान सामने आ रहे हैं वो वाकई जनता को सोचने पर मजबूर करता है। जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ, या हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है, हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे।